बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन बनेंगे कैसे? भाजपा जब चाहेगी तभी, लेकिन भाजपा ने भी इस बार साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को वो कहां भेजने वाली है। भाजपा के MLC नवल किशोर यादव हैं, अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और अक्सर कड़ा बयान देते हैं, तो इस बयान को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति जाने वाले बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ मानना है कि नीतीश जी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नीतीश जी सर्वे सर्वा हैं, वो जहां जाना चाहें चले जाएं, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है तो वो बिहार में ही सरकार चलाएंगे। वीडियो देखिए, नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनाए जाने, उपराष्ट्रपति बनाए जाने, किस कोटे से जाएंगे, कौन सी पार्टी से जाएंगे, तमाम चीजों को नवल किशोर यादव ने रखा है। क्लास बात है, नीतीश कुमार याचक नहीं है, इसलिए याचना करेंगे कि हमको उच्च सदन जाना है। नीतीश कुमार जी तो उच्च सदन से लेकर नीच सदन तक भेजते ही रहे हैं लंबे अरसों से, उनको जो इच्छा होगी। और नीतीश कुमार क्यों उच्च सदन में चले जाएंगे? ये जो बिहार का जो विकास हो रहा है, जो बिहार के कारवां चला है, इस कारवां को जब तक मंजिल और मकाम तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो कहाँ जाएंगे? बिहार की जनता उनको जाने भी नहीं देगी। और इस तरह के जो उपहास उड़ाने वाले लोग हैं, जो कॉमेडी करने वाले लोग हैं, जो मनगढ़ंत कुछ बात करने वाले लोग हैं, वही इस तरह के बातों को प्रदर्शन कर रहे हैं और मीडिया में चला रहे हैं। नीतीश कुमार उच्च सदन जाना चाहते हैं, जाएं, अगर जाना भी उनको चाहेंगे तो किसी से पूछना और परामर्श लेना है क्या, या किसी से याचना करना है क्या? लेकिन नीतीश कुमार जी NDA के नेता हैं और ये बिहार के जो विकास किए हैं उन कारवां को जब तक मंजिल और मकाम तक नहीं पहुँचा देंगे, कहीं सोचने की भी बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।